नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक आप सभी को सब बिजी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कंप्यूटर में जितने ड्राइव है सारे ड्राइव को हाइड करने के लिए, वो भी बिना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा। आप कोई भी विंडो चला रहे हैं, आप अपने ड्राइव को हाइड कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। कर रहा हूँ, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं इसे मतलब नहीं है। अगर आप विंडोज 7 भी यूज कर रहे हैं, जो मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ सेम प्रोसेस विंडोज 7 में भी फॉलो होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बिना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा ही अपने कंप्यूटर के ड्राइव को हाइड करने के लिए जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर, अगर आप विंडोज 7 चला रहे हैं तो यहाँ पर आपको माई पीसी दिख रहा होगा। यहाँ पर विंडो 10 हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर डिस्क पीसी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आप ऊपर से थर्ड वाले ऑप्शन मैनेज में आइएगा। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ टाइम लेगा, एक विंडो खुल कर आएगा आपके सामने। हम वेट कर लेते हैं। देखिए हमारे सामने एक विंडो खुल कर आया है। इसमें आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको एक और यहाँ पर एक आपका विंडो खुलेगा। देखिए इसमें हमारे कंप्यूटर में जितने ड्राइव है, देखिए आपको पहले ड्राइव दिखा देते हैं। यहाँ पर हम अपने डिस्क पीसी को ओपन करते हैं। देखिए हमारे कंप्यूटर में CDEF 4 ड्राइव है। हम इसमें से F ड्राइव को हाइड करके दिखाएंगे। आप चाहें तो एक एक करके सारे ड्राइव को हाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता दें, आप सी ड्राइव को हाइड नहीं कर सकते हैं। सी के छोड़कर आपके कंप्यूटर में जितने ड्राइव हो सारे ड्राइव को आप चाहें तो हाइड कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर एफ ड्राइव को हाइड करके आपको दिखाते हैं। हम फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। देखिए एफ ड्राइव यहाँ है हमारा, ई यहाँ है, डी यहाँ है। तो आप इसमें से जो ड्राइव को हाइड करना चाहते हैं उस ड्राइव पर राइट क्लिक कीजिएगा। तो हम फिलहाल ई ड्राइव को हाइड करना चाह रहे हैं तो एफ ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ। आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक विंडो खुल कर आएगा। इसमें आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि लिखा हुआ है रिमूव। रिमूव पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ मैसेज देगा। तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यस पर क्लिक करना है। अब देखिए इसको मिनिमाइज करते हैं या क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर को ओपन करके देखते हैं क्या हमारा ड्राइव हाइड हो चुका है। देखिए पहले हमारे कंप्यूटर में 4 ड्राइव शो कर रहा था, सी डी ई और एफ, जो कि एफ हमारा यहाँ से हाइड हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसी तरह एफ को भी हाइड कर सकते हैं। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि हाइड किए गए ड्राइव को आप अनहाइड कैसे कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं, फिर वहीं प्रोसेस करना है। यहाँ अपने कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिस्क मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए वैसा ही आपके सामने विंडो खुलकर आ गया। हम इस वाले ड्राइव को हाइड किए थे तो इसी ड्राइव पर अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अनहाइड करने के लिए भी उसी ड्राइव पर क्लिक करना है जिस ड्राइव को आप हाइड कर चुके हैं। हम इस ड्राइव पर राइट क्लिक करते हैं, फिर उसी वाले ऑप्शन में जाते हैं, चेंज ड्राइव लेटर्स एंड पाथ्स में, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए वहाँ पर रिमूव ऑप्शन जो आ रहा था अब यहाँ पर अनहाइलाइटेड है, यहाँ पर हाइलाइटेड है ऐड। तो ऐड पर क्लिक कीजिएगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एफ, जो कि एफ ड्राइव को हाइड किया थे इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एफ दे रहा है। अगर आप यहाँ से चाहते हैं इसका एफ की जगह कोई और लेटर लिखना, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी लेटर चूज कर सकते हैं। हम फिलहाल एफ को ही छोड़ते हैं और ओके क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक मैसेज शो कर दिया, यानी कि हमारा एफ ड्राइव
100 हो गया। तो यहाँ क्लोज करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर को ओपन करके देखते हैं क्या हमारा एफ ड्राइव आ गया। देखिए हमारा एफ ड्राइव आ चुका है। अब इसको ओपन करके दिखा देते हैं, जो डेटा हमारा था पहले वो सारा का सारा डेटा है, कोई डेटा पर इफेक्ट नहीं आया, कोई डेटा लॉस नहीं हुआ है। अब इस तरह से अपने कंप्यूटर के ड्राइव को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं बिना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।